वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं डबल मीनिंग जोक द प्रैंक पार्ट 7 एपिसोड 51 फनी रिएक्शंस एंड दिस वीडियो इज बाय दिल्ली के दिलेर। ओके, दिल्ली के दिलेर का ये वीडियो है इनका एंड आल्सो दिस इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट तो नहीं क्योंकि हमने 100 का ऑलरेडी लाइक प्रैंक वीडियो देखा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड चैनल वेयर वी आर गोइंग टू लाइक वॉच प्रैंक्स। या मतलब ऑफ कोर्स तो मतलब ये डबल मीनिंग जोक्स वाला बाय दिल्ली के दिलेर प्रैंक हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते। मेरे को ना ऐसी समझदार लड़कियां बहुत पसंद है। हां, किस लिए? ठेके पे लाने के लिए? नहीं नहीं, एक के साथ एक फ्री वाली लाने के लिए। ई ब्लॉक का तो पता नहीं, मैं आपका मुंह तोड़ देती जिस अगर आपने हाथ नहीं जोड़ा होता जो आपने ऐसे करा है ना अभी। तुम इतनी खूबसूरत हो। हाय हाय, व्हाट इज दिस? ये सही है, अब तो आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे। सब कुछ तो फेक था, मतलब कि यूट्यूबर है आप तो। नंबर भी ले लिया आपने मेरा। अरे नहीं, तोड़ दिया यार आपने तो मेरा बिल्कुल ही। अरे नहीं, मैं बात करूंगा आपसे ऐसे। मुझे क्या पता, इतनी देर से आपने सच नहीं बोला, बाद में अभी भी आप सच बोल रहे हो? नहीं बोल रहे हो? सच में मैं आपसे बात करूंगा, मैं झूठ नहीं कह रहा। हद है यार, मतलब सीरियसली प्रैंक मैं ही मिली थी आपको। अरे यार आप ऐसे मत बोलो, मुझे अच्छा ही लगेगा वरना। यार हेलो दोस्तों, मैं अभी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल दिल्ली के दिलेर पे। दोस्तों आ चुके हैं नई वीडियो और आज की वीडियो में फिर से टिर्री भैया ने दिल्ली की लड़कियों को सुनाई है बहुत ही प्यारे प्यारे जोक्स। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। इनसे बात करें हेलो आप एक मिनट में जरा कॉल बैक करते हैं। कौन? हेलो, ये क्या तरीका होता है? मैं जस्ट आपसे हेलो बोलने आया था मैडम। हाय। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन? नहीं, जैसे मैं ये पूछा था अभी, आप जा रही हैं अकेले, कहाँ जा रही हैं? थोड़ा क्योंकि आप कौन होते पूछने वाले? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ मैं ऐसे कि आप क्या करने जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं अकेले अकेले। कहाँ जा रही हैं? दस लोग और जा रहे होंगे रोड से। दस समझी नहीं ना, उधर जाने वाले आप इधर को जा रही हैं, इधर को क्या है रास्ता खत्म है तो अंदर फिर झाड़ियाँ हैं। तो मतलब किधर की तरफ जा रही थी, जरा पता लग जाता जंगल। अच्छा, आपके पत्नी से आप सवाल पे सवाल पूछो, जब मैं आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे जानते भी हैं जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आई गेस नॉट रॉन्ग, पता नहीं चलता यार। हेलो, तेरी बहन। सॉरी सॉरी भैया, कौन हो? अरे बेटी, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। सॉरी, कौन हो? इसलिए मैं एक बात पूछने आया था आपसे। क्या? मैं कह रहा था इस गेट में क्या होता है, मतलब अंदर क्या होता है इसके, थोड़ा पता लग जाता है। एक्चुअली मैडम, मैं आपसे बस एक बात पूछने आया था। बोलिए। ये मैडम ई ब्लॉक कहाँ पे? ई ब्लॉक का तो पता नहीं, मैं आपका मुंह तोड़ देती जिस अगर आपने हाथ नहीं जोड़ा होता जो आपने ऐसे करा है ना अभी। मैडम मैं जस्ट हेलो करने आया था, मैंने देखा था, मैंने कहा ऐसे कौन सी हेलो होती है। मैंने थोड़ा उधर से देखोगे दिख जाएगा सब। अंदर फ्लैट है। फ्लैट में लोग क्या करते हैं बताऊं कि समझ गई? तो आपने मेरे को देखा कि मैं अच्छी खासी घर की हूँ? नहीं नहीं, ऐसा तो? नहीं, मैंने देखा कि शिकार अकेला जा रहा है तो। हाँ, मैं आपकी शिकारी हूँ, आप शिकार करने वाले हैं मेरा। रोज कितनों का शिकार करते हो ऐसे? शिकार नहीं करता यार मैं, जस्ट आपको नीली आ गई आपकी। ये नीली आंखें मरवाएंगी। अब आपको मैं एक बात बोलूं? जी बोलिए बोलिए। मेरी मम्मी ऐसे पिछवाड़े गेट से जाइयो मत बेटा, माना ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि बात देख गया कि जैसे तैसे लोग मिल जाते हैं इस वाले गेट से। और आज तो आपने साबित ही कर दिया कि सच में जैसे तैसे लोग मिलते हैं मेरे। अब आप मम्मी को जाकर बता क्या बोलना। मम्मी कि मेरे को एक अजूबा मिल गया तो पता नहीं कहां से भगा हुआ, उसको मैं बना के ले पति है बना। अब देख लो क्या करना है, अब आप देख लो क्या करना है, ठीक है? सीधा ऐसे बोलना घर जाके। मैं बोल रही हूं पसंद नहीं है, मैं बना के लेके आई पति का, पति बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड मम्मी मैं बॉयफ्रेंड। भैया देख कौन आया है, दीदी आई है वहां पे पीछे टेंट लगेगा, ठीक है? तू चल मैं आई, तू चल मैं आई, आ जाओगी? हाँ। चलो पहले मैं जगह दिखा दूं आपको वाली। यार जैसे मान लो आप वहां से गुजर रही हो, क्योंकि आपको ना फिर पता ही लगेगा, दरवाजा खोले कोई अंदर खींच लेगा फिर ऐसे। समझी नहीं ना? समझी नहीं, आपकी तरह नहीं है कि रैंडमली ऐसे बात कर ले, अप्रोच कर दे, दरवाजा खींच दे।
बोल दे अच्छी दिखती हो, मैं कैसा दिखता हूँ, खेल खेल कुछ भी। और बस एक शब्द भी और बोली ना, लत्यार डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। क्या अभी सुनाता हूँ ना जोक? तो सुनाओ ना। ऐसा जोक है, उसके बाद पता है आप क्या बोलोगी? ओह वाओ, ओह वाओ, ओह ये, ओह ये, वंस मोर। आपकी शक्ल वैसी लग रही थोड़ी थोड़ी मुझे, वो थी ना वो हीरोइन परवीन भाभी, नहीं नहीं उसका, नहीं नहीं वो परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा लग रही हो, परिणीति चोपड़ा लग रही है लड़की, आपने पहले नाम दिया, परिणीति चोपड़ा लग रही है, सुन लो कहीं आप सोच रहे हो। आप ऐसे आप रोड वालों को क्यों, आप साइड में रहते हो? मैं साइड, मैं जैसे अभी आप कहाँ जा रही हैं? क्या लगता है आपको कहाँ जा रही होगी मैं? इतना तो कुछ लगता ही है आपको, ये भी लग गया होगा। ताना दे रही है आज? अच्छा अच्छा, मेरे को लग रहा है ऐसे सुबह सुबह के टाइम है, शायद आप वहाँ लाइन में लगने जा रही हैं। वहाँ कहाँ? ठेके पे आजकल एक के साथ एक फ्री मिलता है। नहीं अच्छा, नहीं मतलब मैं आपको पीने वाली लगती? नहीं नहीं मैं ये कह रहा था पीने वाली लगती हूँ, जैसे अगर आप ले रही हो तो मेरे लिए भी एक ले लेना, मतलब फ्री का अगर चक्कर चल रहा है तो मेरे लिए भी एक ले लेना, बस मैं यही कह रहा था। आपको तो देख के लगता है कि आप पूरे दिन वही 25 वाला पीते होंगे शायद। कौन मैं? आपके पास पड़ा है क्या? बैग में दिखाओ ना क्या पड़ा है भाई, दिखा दो ना, खत्म करो ना। कैसे कैसे बंदे मिल जाते हैं? अरे अरे नहीं यार, मैंने आपको देखा, बड़ी सुंदर हो यार आप, बहुत सुंदर हैं आप, इतनी सुंदर हैं कि मतलब आपको तो इंसान दिल से उतारे ना, जमीन पे कहाँ घूम रही हो आप? हैं, दिल का महल आपके लिए वेट कर रहे हैं। अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं आप, इंप्रेसिव है काफी। मैंने पहली बार दिया ना इसलिए दिल से दे रहा हूँ ये कॉम्प्लीमेंट्स, आज तक कभी भी नहीं दिए मैंने। मेरा नाम है टिर्री हंसाने वाला। ठीक है, अपना मैं टिर्री हंसाने वाला, मैं क्या करूँ उसका? एक्चुअली मैं लड़कियों को जोक सुनाता हूँ और फिर उनको हंसाता हूँ। आप चाहें अगर कि काम अच्छा हो तो आप अपने साथ ऑयल अपने साथ लेके, तेल अपने साथ कैरी करके ला सकती हैं। अरे जो होगा देखा जाएगा, तू ले चल तेल लगा के काम में डालेंगी तो इससे आपको क्या, मेरी बात सही समझ में आएगी, सुनाई देगी बराबर, इसलिए। बहुत बढ़िया लॉजिक है आपके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टिर्री हंसाने वाला। आपका नाम क्या? आस्था। आस्था भाई गिल तो नहीं है कहीं? मैनू तू ले जा, वो अलग है। अच्छा वो नहीं हो, गाने सुनने बंद करता मैं। सुना सुना। बहुत प्यारा जोक है, इरशाद मानना के जोक में इरशाद मारते हैं। भैया ठीक हो? ठीक ठाक हो? जोक सुनाओगे ना मेरे को? कुछ और तो नहीं? अरे नहीं नहीं, जोक सुनाऊंगा मैं, झूठ हाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो जोक में इरशाद नहीं, सच्ची बताऊँ मैं, मैंने बता दिया किसी और के सामने मत बोलना। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को ना ऐसी समझदार लड़कियाँ बहुत पसंद है। हाँ किस लिए? ठेके पे लाने के लिए? नहीं नहीं, एक के साथ एक फ्री वाली लाने के लिए। हम लेने आया एक बोतल दो कौए। इतना प्यारा जोक है ना कि उसको सुन के ना लड़कियाँ ना फ्लैट हो जाती हैं। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, जो आप सुन लो, सुनना चाहोगी सुन लो। एक बार एक लड़की बहुत बड़े आदमी के यहाँ जॉब कर रही होती है, उसकी फ्रेंड उसको बोलती है और भाई जॉब कैसी चल रही है? वो लड़की बोलती है बस यार क्या बताऊं, सुबह यसर यसर करने में निकल जाती है और रात बसर बसर करने में गुजर जाती है। कुछ कुछ भी जो। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे वो पूरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो, बसर बसर करने में निकल जाती है। आपने जज्बात को काबू में रख, शर्म बैठकर खा गई है क्या तू? ओके तो यही तक दिखेंगे टुडे, है ना? एंड लाइक सीरियसली फाइव से मुझे आई डोंट नो व्हाई लग रहा है थोड़ा स्क्रिप्टेड है। यस आई एम लाइक जस्ट फीलिंग लाइक दैट कि स्क्रिप्टेड लग रहा है मुझे, तो अभी पता नहीं कि क्या मतलब मामला तो है, लेकिन वो जो लाइक स्ट्रिप्स वाले लाइक टी शर्ट में वो जो लाइक व्हाट वी कैन से शी वाज, मतलब वो मतलब उनका एक्टिंग देख के थोड़ा सा लग रहा था, बाकी तो मतलब एकदम सही था। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।